हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके बीच में एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन लेके आया हूं। जो भी मेरे भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। क्योंकि दोस्तों, मैं बता देता हूं, हमारे चैनल पर डेली आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड छोटी छोटी बड़ी से बड़ी पोस्ट का नोटिफिकेशन डेली प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, मेरे भाई बहन कोई भी, पूरे हरियाणा की मैं बात करूं, अगर उसको हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए, तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारे चैनल पर डेली हरियाणा में जो डीसीरेट जॉब्स की नोटिफिकेशन आते हैं, वो डेली प्रोवाइड किए जाते हैं कि कौन से जिले में, कौन से शहर में, कौन से गांव के आसपास डीसीरेट जॉब्स निकलकर आ रही है, कौन से डिपार्टमेंट में, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका क्या क्या प्रोसेस होगा, पूरा डिटेल वाइज बताया जाता है। तो आपको अगर डीसीरेट जॉब्स का नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है, वहां पर भी आप ऐड हो सकते हो। वहां पर हमारे ओल्ड स्टूडेंट भी ऐड है, वहां पर आप भी ऐड हो सकते हो। एक तो वहां पर 24 घंटे आपको न्यू अपडेट्स देखने को मिलेंगे, किसी भी टाइम कोई रिजल्ट आ रहा है, कुछ भी अपडेट आ रहा है, वो वहां पर देखने को मिलेगा। साथ में आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई लिंक नहीं मिल रहा, कोई साइट में प्रॉब्लम है, अदर किसी भी टाइप की आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करें। हमारी जो टीम है वो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, उसका सॉल्यूशन आप सभी को बताया जाएगा। ओके गाइस, तो बिना टाइम खराब किए आज की वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो क्या रहने वाली है, ये भी आपने देख लिया होगा। हरियाणा में जो डीसीरेट जॉब्स आ रही हैं, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में डेली निकल कर आ रही हैं। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो डीसीरेट जॉब्स आई हैं, माली, चपरासी की और कुछ ऑफिस वर्क की है, जिसमें मेरी बहन भी लग सकती है ऑफिस वर्क की, जो लैब अटेंडेंट हुआ, काफी ऐसे ऐसे पोस्टें हैं कि उसमें मेरी बहनें भी पोस्ट पा सकती हैं बिल्कुल आसानी से जॉब को। अगर कोई भी 12वीं पास महिला इस वीडियो को देख रही है, 12वीं पास महिला इस वीडियो को अगर पहली बार हमारे चैनल पर उसने विजिट किया, पहली बार वो आई है, पहली बार वीडियो देख रही है, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात मैं ये एक चीज बता दूं, हमारे चैनल पर सबसे पहले सबसे फास्ट डेली ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको डेली मिलते रहते हैं। हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, डीसीरेट जॉब्स का भी नोटिफिकेशन, आंगनबाड़ी विभाग से भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें आती रहती है हमारे चैनल पर। हम डेली न्यू अपडेट्स ऑफिशियल बताते हैं, वो चीजें हमारे चैनल पर आती है जो ऑफिशियल साइट पर होती है, ऑफिशियल आप उस चीज को खुद भी देख सकते हैं, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। ओके गाइस, तो बिना टाइम खराब किए मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं, पूरा डिटेल वाइज बताऊंगा, आपने देख लिया होगा। ऑफिस वर्क के लिए पोस्ट आई हुई है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, सारी चीजें गवर्नमेंट कॉलेज में आई हैं और क्या क्या पोस्टों पर ये भर्ती होने वाली है और क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिए। जो भी मेरा भाई और बहन इस वीडियो को देख रहा है, अभी तक भी उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपका छोटा भाई इसी प्रकार से न्यू अपडेट डेली लेकर आता रहता है। दोस्तों, एक चीज बता देता हूं, आपके जिले, आपके शहर, आपके गांव के आसपास अगर आपको डीसीरेट जॉब चाहिए, अगर एक पोस्ट का भी नोटिफिकेशन आता है किसी भी डिपार्टमेंट में, वो भी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए आप मौका मत चूकना, क्योंकि आपका पड़ोसी लग जाएगा डीसीरेट जॉब, जब आपको धोखा लगेगा कि हमें क्यों नहीं पता चला डीसीरेट जॉब्स कौन से डिपार्टमेंट में निकल कर आती हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, कैसे उस पोस्ट को हम पा सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले सबसे फर्स्ट बता रहा हूं, अगर मेरा भाई कोई भी हमारे चैनल पर विजिट करता है, अगर उसको जॉब चाहिए, डीसीरेट जॉब्स, कंपनी रिलेटेड जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, किसी भी टाइप का नोटिफिकेशन उसको चाहिए, ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट बता दूंगा, अगर आपको उनमें पोस्ट है तो बहुत दूर की बात है, आपको उनका ये भी नहीं पता चलेगा कि ये डिपार्टमेंट कौन से होते हैं, कहाँ पर है। क्योंकि दोस्तों, उनमें डायरेक्ट भर्तियां होती है, डायरेक्ट भर्ती मतलब मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर सारे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, टाइम टू टाइम आपको सारी चीजें देखने को मिलते रहे, तो आपको छोटा भाई इसी प्रकार से न्यू अपडेट डेली लेकर आता रहता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को साथ में लाइक करके रखना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं मैं, आप पूरा डिटेल वाइज आप सभी को बता देता हूं। ओके गाइज, मेरे सभी भाई और बहन को बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा कि मैं कहां से बात करने वाला हूं आज। डीएस आर्य कॉलेज है एजुकेशन, बहादुरगढ़ के अंदर, झज्जर के अंदर मैं बात करूंगा डीएस आर्य कॉलेज के अंदर। हरियाणा की जो डीसीरेट जॉब्स होती हैं, वो डेली इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, हमारा ऑफिशियल चैनल है, इसी चैनल पर आपको डेली न्यू अपडेट डीसीरेट जॉब्स की देखने को मिलेंगी। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट मैं बता दूं, 10 अप्रैल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, लास्ट डेट इन्होंने 30 अप्रैल रखी गई एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट। इंटरव्यू की डेट अभी अपडेटेड सून है, कोई भी डेट अभी इंटरव्यू की फिक्स नहीं है, जैसे कोई इंटरव्यू की डेट फिक्स होती है तो आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके गाइस, इसके आगे मैं बताऊं एप्लीकेशन फी आपकी क्या लगेगी। एप्लीकेशन फी आपका एक भी पैसा लगने वाला नहीं है, ₹0 आपकी एप्लीकेशन फी लगेगी। इसमें एक चीज बता देता हूं, जो भी मेरे भाई और बहन मुझे झज्जर से लाइव सुन रहे, झज्जर से देख रहे हैं,
उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी के साथ में, क्योंकि मेरे भाई और बहन झज्जर के आसपास से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इस कॉलेज में आपको बिल्कुल आसानी से इंटरव्यू बेस पर आप जॉब पा सकते हो। इसका पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, और साथ में कोई भी दिक्कत हो आपको फॉर्म भरते टाइम किसी भी प्रकार की, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज करना। हर जिले में डेली कुछ ना कुछ न्यू अपडेट आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये झज्जर में पोस्ट आई है, कल पता नहीं सिरसा में आ जाए, शाम तक कुछ भी अपडेट आ सकता है, अगली 5 मिनट में आ सकता है, क्योंकि दोस्तों कहीं से भी कोई भी अपडेट आता है उसके 5-10 मिनट के बाद ही आपको न्यू नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, पूरे हरियाणा में कहीं से भी कोई भी अपडेट आता है वो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। इसके आगे मैं बात करूं एज की, एज आपकी क्या रहने वाली, एज की 18 से लेके 42 साल के जो भी मेरे भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सभी इसके लिए एलिजिबल हैं, सभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर एज में आपको छूट चाहिए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें, आपको एज में इसमें छूट भी मिल सकती है। टोटल पोस्टों की मैं बात करूं, इसमें टोटल पोस्टें कितने रहने वाली है, टोटल पोस्ट इसमें 10+ टोटल पोस्टें आई हुई है, 10+ टोटल पोस्टें रहने वाली है। पहली बात मैं ये बता दूं दोस्तों, ये डिसीरेट जॉब्स होती है, इसमें 5-10-15-20 पोस्टें ही आती है। अगर ये ज्यादा पोस्टें हो जाएंगी तो ये गवर्नमेंट जॉब्स परमानेंट जॉब्स कहलाती हैं, डिसीरेट जॉब्स नहीं कहलाती, क्योंकि जो डिसीरेट जॉब्स होती हैं बहुत ही कम मात्रा में पोस्टें आती हैं। इसका एक ही कारण है आपको क्यों जॉब्स नहीं मिल पा रही डिसीरेट जॉब्स, क्योंकि दोस्तों आप अपडेट नहीं रहते हो किसी चीज को लेकर। अगर आप अपडेट रहते हो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो आप उस चीज़ को देखें, अगर आप उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन है, अगर आपके गांव के पास से है, आपके शहर के पास से है, अगर आप उसको पाना चाहते हैं तो उस चीज़ को आप तुरंत अप्लाई भी किया करो, तभी आपको डिसीरेट जॉब्स बिल्कुल आसानी से मिल सकती हैं। क्योंकि दोस्तों इसका एक मेन कारण होता है कि जो कैंडिडेट डिसीरेट जॉब्स काम करता रहता है वहाँ पर अपने ही कैंडिडेट लगवाने की सोचता है, उसको ही पता चल पाता है सबसे पहले कि कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ पर डिसीरेट जॉब्स निकल कर आ रही है। इसलिए आपको भी पहले सबसे फास्ट अपडेट इसी टाइप से मिलते रहे, तो आप हमारे गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आपका छोटा भाई इसी प्रकार से पूरे हरियाणा में कहीं से भी कोई भी अपडेट आए आपको सबसे पहले सबसे फास्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। जिसके अंदर पोस्टें क्या आई हुई है आज की वीडियो में, लाइब्रेरियन की पोस्ट रहेंगी, कोई भी मेरी बहन इसमें लग सकती है लाइब्रेरियन के अंदर, उसको ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए, लाइब्रेरियन अटेंडेंट के लिए उसको +2 पास होनी चाहिए 60% मार्क से। कोई भी मेरी बहन अगर वीडियो देख रही है वो बिल्कुल आसानी से ये जॉब पा सकती है, ऑफिस वर्क है ये, लाइब्रेरियन अटेंडेंट हुआ, लाइब्रेरियन हुआ, लैब अटेंडेंट हुआ, जिसमें अंदर आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइब्रेरियन अटेंडेंट और लाइब्रेरियन, ये बिल्कुल आसानी से कोई भी बहन इस जॉब को पक्का पा सकती है अगर वो ग्रेजुएशन पास है +2 पास है। ओके गाइज, इसके आगे मैं पीएन माली की बात करूं, पीएन के लिए आपको 10वीं पास मांग रखा है, और माली और सफाई कर्मचारी अनपढ़ भी चल सकते हैं। मेरे भाई और बहन कोई भी अगर अनपढ़ भी है, अगर इस वीडियो को देख रहा, अगर उसको लगता है किसी सारे मंथ को ये वीडियो देखनी चाहिए, उसका फॉर्म भरवाना चाहिए, तो प्लीज ऐसे बंदे का आप फॉर्म भरवा दीजिए जो अनपढ़ है, उसको जरूरतमंद है किसी काम की, तो आपका एक कार्य पता नहीं उसकी लाइफ को सेट भी कर सकता है। दोस्तों हम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप जरूरतमंद बंदों तक तो पहुंचा दीजिए इसको। जो भी मेरे भाई और बहन है, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो अनपढ़ है, अगर उसको काम की जरूरत है, तो ऐसे बंदों को आप इस नॉलेज में डालिए, कॉलेज में भेजिए, वहां पर इसके फॉर्म अप्लाई करवाइए, क्योंकि उसको अगर जॉब मिल जाए तो उससे अच्छी बातें क्या होंगी। स्टोर कीपर के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ओके, तो इसको हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, सबसे बड़ी बात तो ये, ऑफलाइन ये फॉर्म रहने वाला है। ओके, जिसके अंदर जॉब लोकेशन आपकी रोहतक के अंदर रहेगी, जॉब लोकेशन आपकी रोहतक के अंदर रहने वाली है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने का, वहां से डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद अब फॉर्म को बहुत अच्छे से फिल करना है और सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जो जो आप पोस्ट के हिसाब से अप्लाई करोगे, फिर आपको बाहर लिफाफे पे क्या लिखना है वो चीजें आप देख लेना, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ये सारी चीजें लिखनी होंगी, फिर आपको बाई हैंड या बाई पोस्ट आपको जमा करवाना होगा, कहां पर, डीएस आर्या कॉलेज एजुकेशन पटेल नगर बहादुरगढ़ हरियाणा, पिन कोड दे रखा 124507, इस पिन कोड पर आपको या तो बाई हैंड जाके वहां पर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे, या आपको वहां पर बाई पोस्ट भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके गाइस, इतना सब सबको समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से। सैलरी की मैं बात करूं, सैलरी इन्होंने लिख रखा है कि जो हमारे कॉलेज के रूल्स हैं उसके ऊपर आपको सैलरी मिलेगी, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप चेक करें, क्वालिफिकेशन के हिसाब से और पोस्ट के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है, इसमें कॉलेज के जो रूल्स हैं उसके ऊपर आपको सैलरी मिल जाएगी। सिलेक्शन
सिलेक्शन प्रोसेस की मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि आपका सिलेक्शन किस टाइप से होने वाला है। आपका सिलेक्शन ओनली इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। कोई भी मेरा भाई और बहन अगर पोस्ट पाना चाहता है, गुड अपॉर्चुनिटी के साथ जॉब पाना चाहता है, तो बिल्कुल आसानी से इंटरव्यू बेस पर अपनी जॉब को पक्का कर सकता है। माली हुआ, सफाई कर्मचारी हुआ, इनका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, इनका ओनली जाके काम देखा जाएगा, अगर बढ़िया लगा तो उनको रख लिया जाएगा। दोस्तों बिल्कुल आसानी से माली हुआ, पीएन हुआ, सफाई कर्मचारी हुआ, ये जो छोटी पोस्ट वाले हैं इनको बिल्कुल आसानी से जॉब मिल जाएगी। मेरा भाई और बहन अगर कोई भी मेरे चैनल पर से अनपढ़ पास हो, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, सभी के लिए न्यू अपडेट्स यहां पर आते रहते हैं। सभी को न्यू अपडेट्स क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखने को मिलते रहते हैं। अगर आपको कंपनी रिलेटेड जॉब्स का भी नोटिफिकेशन चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब्स का भी मिलेगा, डिसरेट जॉब्स का मिलेगा, होमगार्ड का मिलेगा, आंगनबाड़ी विभाग का मिलेगा, कहीं से भी कोई भी पोस्ट का नोटिफिकेशन आएगा वो हमारे चैनल पर आपको डेली देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, तो अपने छोटे भाई का नोटिफिकेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को साथ में लाइक करना। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आपको इसी टाइप से न्यू अपडेट डेली देखता रहता हूं। ओके दोस्तों, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।